सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसेंचर की सेकेंड फेज हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग दोस्तों अप्लाई नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से रिजेक्शन का मेल देखने को मिलता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है एसेंचर की ये सेकेंड फेज हायरिंग में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितनी भी अपडेट है दोस्तों चैनल पर मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एसेंचर में कौन कौन अप्लाई करता है, हायरिंग कौन सी निकली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे एसेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल पे दोस्तों यहां पे सेकंड फेज हायरिंग एसेंचर की स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि दोस्तों यहां पे कुछ चीजें अपडेट हुई है, मॉडिफिकेशन हुए हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, सीएससी, आईटी ओनली फ्रॉम 2022 ईयर। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे 2020 में जो पास आउट होंगे सिर्फ वही दोस्तों एलिजिबल होने वाले हैं जिनका फुल टाइम एजुकेशन हो, पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट कंसीडर्ड। तो दोस्तों यहां पे बी बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, यहां पे सीएससी, आईटी ओनली एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं और कोई भी दोस्तों यहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो आप जाकर के दोस्तों यहां पे जरूर अप्लाई करेगा। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि यहां पे कौन एलिजिबल होने वाला है। देखिए दोस्तों फर्स्ट फेज हायरिंग में अगर दोस्तों मान लीजिए आपको रिग्रेट का मेल आया हो, चाहे दोस्तों इंटरव्यू के बाद आपको रिग्रेट का मेल आया हो, चाहे ऑनलाइन असेसमेंट के बाद रिग्रेट का मेल आया हो, तो आप यहां पे अप्लाई मत करिए, आप वेट करिए। और दोस्तों मान लीजिए अगर किसी को पैन कार्ड में या फिर कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाता है, तो दोस्तों उसके लिए ये हायरिंग है, वो जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का दोस्तों प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू पैन कार्ड इशू, उनके पास पैन कार्ड ही नहीं था तो वो अपडेट करा रहे थे। तो अब दोस्तों जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व हो चुकी है, आप जा करके अप्लाई जरूर करेगा अगर दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रिग्रेट का मेल नहीं आया। और दोस्तों मान लीजिए आप इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वही लोग अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में जिनको दिक्कत आई थी या फिर वो अप्लाई ही नहीं कर पाए थे, तो वो जाकर के यहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट द जॉब, आप बता सकते हैं जहां से भी आपको पता चला हो। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, व्हाट्सएप कंसेंट में यस भर देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे भी दोस्तों यहां पे मेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिसाइडिंग स्टेट, सिटी आप बता दीजिएगा, हायर एजुकेशन प्रोफाइल जो हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और हैव यू डन एनी कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपने नहीं किया तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप नॉट अप्लीकेबल भर दीजिएगा। ठीक है, और प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, जो भी आपको जॉब लोकेशन बेस्ट हो आप भर सकते हैं, जैसे गुरुग्राम है तो आप ये भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी बेस्ट लगती हो, मान लीजिए पुणे क्लस्टर वन है तो आप ये भर दीजिए। फिर आपको बेटर जो लगे दोस्तों यहाँ पे आप ये बेंगलुरु भर सकते हैं, तो इस हिसाब से जॉब लोकेशन भर सकते हैं। गैप इन एजुकेशन में अगर है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो गैप। ठीक है, लेस देन वन एकेडमिक ईयर। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी चीजें भर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे लिखा हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एसेंचर इन द लास्ट 3 मंथ, डू नॉट कंसीडर करंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें भर दीजिएगा। और मेक श्योर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट आईडी में सिर्फ पैन कार्ड है, और पैन कार्ड की जो दोस्तों यहाँ पे फोटो होती है वो जाकर के आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो में अपलोड करनी है, ये आपको ध्यान रखिएगा, तभी दोस्तों ना क्या होता है गवर्नमेंट आईडी टाइप में और पासपोर्ट में क्या होता है मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो जो भी पैन कार्ड में आपकी फोटो होगी वही आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में अपलोड करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिर सब कुछ यहां पे फॉर्म फिल एग्री करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो दोस्तों आपको मेल आ जाएगा अप्लाई करने का कि आपने अप्लाई कंप्लीटली कर दिया है। तो ये दोस्तों ओवरऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर दोस्तों यहां पे आप एलिजिबल है तो जाकर के जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।